हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहा था कि जीएसटी इंडिया में आया क्यों है। तब मैंने आपको कहा था मैं आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस जो हम करेंगे बाद में करेंगे। इंडिया में जीएसटी आने के बहुत सारे रीजन्स हैं, जिसमें से कुछ रीजन्स ही हैं ये हम बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। जीएसटी आने के कारण हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए और ये बेनिफिट्स हुए इसीलिए तो जीएसटी आए कि हमें ये फ़ायदे मिल सके। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं, इसको आप बाय द टाइम उसने बाद में नोट डाउन भी कर लेना। बेनिफिट्स में क्या है, सबसे पहला क्या है, क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया पहले जो टैक्स थे ना, वैट स्पेशली और उसके अलावा एक्साइज भी काफ़ी लेवल तक, वो भी स्टेट टू स्टेट डिफरेंट करता था, उसके अलग अलग रूल्स हर स्टेट के अपने रेट सब कुछ मैटर कर जाता था। तो अभी क्या हो गया कि कॉमन मार्केट हो गया, आप पढ़ रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सेम रूल्स लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं जरा सा बता रहा हूँ, इस पर हमारा काफ़ी डिस्कशन होगा, लेंथी डिस्कशन होगा प्रॉपर, तब देखेंगे। ITC का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC भी बोलते हैं हम इसको, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट कहती है जब आपने परचेज करा होगा ना किसी से सामान, तो आप क्या होंगे, कस्टमर होंगे। लाइक क्या करा मैं बात कर रहा हूँ कोका कोला ने, कोका कोला ने क्या करा, फिलिप्स से क्या करिए अपने लाइटनिंग वगैरह परचेज करिए लाइट्स, सो वहाँ पे उसने पे करके आया होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोका कोला क्या हो गई, कस्टमर हो गई किसके, फिलिप्स के लिए। सो उसने फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ पे करके आई है, उसके ऊपर 100 रुपीज़ का GST पे करा है, कोका कोला ने फिलिप्स को 100 रुपीज़ का GST पे करा है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये पैसे हमसे वापस ले लेना, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो अभी ना पहले ये कम मिलता था हमें वापस, अभी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम चीज़ों पे हमें अलाउ कर दिया, तो यहाँ पे फायदा हो गया कि मतलब आपने जो टैक्स दिया ना वो पैसे वापस मिल जाएंगे, पैसा वापस मिलता हुआ तो फायदा ही है। सो वो वाली बात है। रिड्यूस लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, इससे ना मेरी लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे होगी, मतलब सामान को भेजने करने का खर्चा, और उसके अलावा इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब जो मेरे पास स्टॉक रखा है ना मैंने, उसकी कॉस्ट कम हो गई है। इसके लिए एक वीडियो देखते हैं, वहां से हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। OMG, देखते हो ये वीडियोस? देरी हो रही है मैनू, बच्चे की जान लेगा क्या, दे तो दिया टैक्स यार, छोड़ो यार देरी हो रही है, और की चाहिए तेनु, वो क्या चाहिए है, वो क्या चाहिए यार। पहले पता क्या था कि जब आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था ना, लाइक मैं बात कर रहा हूँ मुझे उत्तराखंड से तमिलनाडु सेंड करना है, बहुत मतलब दोनों लगभग लगभग एक दूसरे के कोने में हो गए इंडिया के, ठीक है। सो वहाँ से मुझे वहाँ पे सेल सेंड करना है, मैंने क्या करा, एक गाड़ी को भेज दिया। अब गाड़ी हर स्टेट से होते हुए जाएगी ना, बीच में कितने सारे स्टेट्स आएंगे, हर स्टेट की बॉर्डर पे ना वहाँ पे चेकिंग होती थी कि आपका सामान क्या है, उस पे आपने जितने टैक्स पे करने थे कर दिए हैं ना, और टैक्स भी पहले कितने सारे टैक्स हो जाते थे, तो कभी वो कहते थे सर्विस टैक्स दिखाओ, वैट दिखाओ, एक्साइज दिखाओ, ये सब। तो उन चीज़ों में क्या होता था, मान लिया यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बीच में 5 स्टेट्स आए, तो 5 बार उसको रुकना पड़ा, 5 बार में 5 बार रुका उस, अभी इतनी लंबी लाइन लगी होती थी चेक करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ तो सिंगल पर्सन है तब इसको इतना टाइम लग रहा है, बट लंबी लंबी लाइन लगी होती थी चेक कराने के लिए। सो उसमें वेट करते रहो, फिर वहाँ पे क्या है उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कराओ, फिर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्व करो। सो सामान पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था पहले। बेचारा परेशान हो गया, सर जी माल खराब हो जाएगा, अब मैं क्या एक्साइज देखा ना, एक्साइज भी टैक्स टैक्स टैक्स, अभी ये बिग बाजार पहुंच रहा था डिलीवरी पे, वहाँ पे टाइमली पहुंचना था ना, इसके कारण लेट हो गया और डिलीवरी नहीं हो पाई, मतलब अभी कंपनी ने कह दिया कि भाई सामान लेट हो गया अब हम नहीं ले सकते, होता है ना, तो मतलब एक ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, उस टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। GST के बाद क्या इम्पैक्ट आया, ओए
तो कमाल हो गया यार, एक बार जीएसटी दिया और मक्खन मलाई वाला ट्रैफिक कोई नहीं रोकेगा आपको। तो मैं निकला जीएसटी दे के रास्ते पे, और कोई ना मोड़ आया ना कोई टैक्स लेने आया। ओए वाह भाई वाह। सो अभी क्या हो गया, जीएसटी के बाद ना सब कुछ इजी हो गया, मतलब एक ही टैक्स है। और इसमें भी ना अभी ईवे बिल वाला सिस्टम आ गया है, सो उसके कारण ऑटोमेटिक हो गया, सब कंप्यूटराइज्ड हो गया, सो इतना भी रुकना करना नहीं पड़ता है। सो बहुत स्मूथली फ्लो होता चला जाएगा, मतलब आपकी गाड़ी को इतना वेटिंग टाइम नहीं हुआ, तो इसके कारण बहुत टाइम सेव हो जाता है। अभी इससे लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे सेव हुई, देखो आपने क्या करा, एक व्हीकल को हायर करा, लाइक एक ट्रक वाले को आपने हायर करा कि भाई मेरा सामान पहुंचाओ। उसने क्या कहा, मैं पर डे आपसे ना 5,000 रुपीज़ चार्ज करूंगा। सो जितना डिले होता जाएगा उतना मेरा खर्चा हो रहा है ना, पर डे 5,000 रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। सो अभी पहले उसको लग रहे थे अगर 20 डेज, और अभी वो पहुंचा पा रहा है 10 डेज में, तो मेरी 10 डेज की कॉस्ट सेव हो गई। प्लस कई बार क्या होता था, सामान खराब होने वाला, जो जल्दी चीज़ें खराब हो जाती हैं, लाइक मैं बात करता हूँ जो हमारे ना ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर FMCG वाले हो जाते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स जो हो जाती है, कंज्यूमेबल गुड्स, या मैं जैसे ब्रेड हो गया। सो उसको मैं इतनी दूर तक ट्रांसफर करना मेरे लिए पहले पॉसिबल ही नहीं हो पाता था, सामान खराब हो जाता था। अभी क्या है कि मैं इसलिए चांसेस बढ़ गई हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वहाँ पर टाइमली पहुँचा सकता हूँ। सो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी सेव हो गई कि सामान अभी मैं पहुँचा सकता हूँ, मेरी सेल भी बढ़ी है। पहले मुझे ना वहाँ पर अलग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना पड़ता था, लाइक मैं तमिलनाडु के पास में सेल करना चाहता हूँ, एक अपनी कंपनी वहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी, सो दैट वहीं के वहीं मैन्युफैक्चर होकर वहीं के वहीं डिलीवरी हो जाए। अभी मुझे लगता है कि नहीं, टाइम टू पहुँच जाएगा, मुझे स्पीड बढ़ गई है मेरी डिलीवरी की, तो हो सकता है कि मैं उत्तराखंड से वहाँ पर डायरेक्ट भी सेल कर दूँ। हाँ डेफिनेटली मैं सब चीज़ों की कैलकुलेशन करूंगा, मुझे क्या चीज़ सस्ती है क्या महंगा पड़ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। सो यहाँ पे मेरी इन चीज़ों की कॉस्ट कम हुई है। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेशन का मतलब है कि चीज़ें ना अब ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और ऑटोमेट हो गई हैं। अभी सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, सो आपको जो भी चीज़ देखनी है ना सब कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। जब आप परचेज करते हो ना वहाँ पे, मतलब अभी हम समझेंगे GST R2A वगैरह वो सब चीज़ें समझेंगे, तो परचेज करी है उसने, टैक्स आपका जो आपसे टैक्स लिया था गवर्नमेंट को पे किया है या नहीं किया आपको वो दिखेगा। आप भी जितना टैक्स आगे चार्ज कर रहे हो वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को भी सब ओके रहता है। सो सब कंप्यूटराइज हो गया, सो यहाँ पे सब ऑटोमेटिक चीज़ें हो गई हैं, तो ये भी मेरा अभी क्या हो गया, बेटर तरीके से हो गया। पैरिटी इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब पैरिटी मतलब इक्वलिटी हो गया। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में अलग अलग था ना, किसी पे आपका वैट CST वगैरह लग रहा है, किसी पे सर्विस टैक्स, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती थी, गुड्स ज़्यादा महंगी हो जाती थी, सर्विस थोड़ी सस्ती पड़ जाती थी। अभी सब पे इक्वल है भाई, सब चाहे गुड्स दे रहे हो चाहे सर्विस दे रहे हो, सब पे क्या लगेगा, GST लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले ना मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट होता है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स। सो पहले क्या था कि जैसे ना, मतलब आपको जो मैंने बताया ना ITC वाला कंसेप्ट एक तरह से, तो वो नहीं मिलता था, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज करना होता था। पहले आपने एक्साइज ली 100 रुपये, बड़ी अमाउंट लेते हैं, 1,000 रुपीज़ पे आपका 100 रुपीज़ का एक्साइज आ गया, ठीक है, 1,000 पे 100 रुपये। अभी इसके ऊपर जब आप वैट चार्ज करोगे ना, तो 1,000 पे नहीं लगाओगे, 1,100 के ऊपर टैक्स चार्ज करोगे। अब देखा जाए 1,100 के ऊपर जब मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, तो 1,100 में 100 रुपीज़ तो ऑलरेडी टैक्स की वैल्यू थी ना, सो मैंने टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज कर दिया, समझ आई बात। सो वो भी मेरा क्या हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। अभी ये सब चीज़ें रिमूव हो गई हैं। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, अभी मल्टीपल टैक्सेस से पहले वो सब चीज़ें, इतनी सारी टैक्सेस थे, अभी वो सब खत्म। एक चीज़ पढ़ो GST पढ़ो, कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, GST सीख पा रहे हो, क्यों सीख पा रहे हो इतनी जल्दी और इतने आराम तरीके से, क्योंकि अभी सिर्फ GST पढ़ना है। पहले सोचो आपको इस तरीके की कुछ एक्सपर्टाइज लेनी होती, वैट अलग पढ़ो, एक्साइज अलग, CST अलग, सर्विस टैक्स अलग, कितने सारे टैक्सेस पढ़ोगे, वो इतने ही कॉम्प्लिकेटेड, तो दिक्कत आती थी। अभी ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो गई, ईजी हो गई। सो आप ये बेनिफिट्स भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो पीछे हाइड हो रहा है ना, पहले इसको आप चाहे लिख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना सब नोट करके रखिए, इसको पढ़ते रहिए, रोज आप एक एक वीडियो भी देखेंगे आराम से कवर हो जाएगा आपका। सो बहुत ज़्यादा बर्डन मत लेना, चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।